आपने अपने बचपन में या फिर कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर सोचा होगा कि क्या एयरप्लेन्स या स्पेशली कॉमर्शियल जेट्स जो कि आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो क्या ये ऐसे ही आसमान में ऊपर की तरफ फ्लाई करते जाएं, तो क्या ये अर्थ से बाहर निकल सकते हैं, क्या ये फ्लाई करते करते स्पेस में पहुँच सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ी देर के लिए आप मात्र जस्ट ए मोमेंट के लिए बैठ के सोचो तो आपको ये पॉसिबल लगने लगेगा कि हाँ यार, ये तो सिंपल है, प्लेन को सिर्फ उड़ते जाना है और एक समय आने पर ये प्लेन स्पेस में एंटर कर जाएगा। तो अगर आपका माइंड आपसे ऐसा कुछ कहता है तो आप गलत हो, ये इम्पॉसिबल है, इसके पीछे कुछ फैक्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1, फ्यूल। एयरप्लेन्स में फ्यूल टैंक लिमिटेड होता है, उसमें ज़्यादा फ्यूल नहीं आ सकता है। स्पेस में एयरप्लेन्स को पहुंचाने के लिए बहुत सारे फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, इतना फ्यूल एयरप्लेन्स में स्टोर करना मुश्किल है, तो बिना फ्यूल के प्लेन को स्पेस में एंटर करवाना इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 2, स्पीड। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए हमको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए होगी, इतनी स्पीड हमारे एयरप्लेन्स गेन नहीं कर सकता। तो आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ कि अभी तक जितने भी प्लेन्स हमारे पास अवेलेबल हैं वे केवल 878 से 926 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को अचीव कर सकते हैं, इसके ऊपर की स्पीड को अचीव नहीं कर सकते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए हमको चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3, हाइट। यूजुअली कमर्शियल जेट्स का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि ये सिर्फ 35 से 40 हज़ार फीट तक की ऊंचाई तक ही फ्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर फ्लाई करने के लिए उनको डिज़ाइन नहीं किया गया होता है। लेकिन नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि नासा ने हीलियस नाम का एक ऐसा सुपरसोनिक जेट तैयार किया है जो 60 हज़ार फीट से लेकर 97 हज़ार फीट तक फ्लाई कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, एयरप्लेन अगर फ्लाई कर पाता है तो उसका केवल एक ही रीज़न है, वो है उसके विंग्स और हवा। एयरप्लेन्स को रिक्वायर्ड प्रेशर हवा से मिलता है, इसलिए वो हवा में तैरता रहता है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं हवा की डेंसिटी कम होती जाती है और एग्जैक्ट स्पेस में तो बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो जब हवा स्पेस में है ही नहीं तो उसके विंग्स काम नहीं करेंगे, तो प्लेन उड़ ही नहीं सकता, प्लेन स्पेस में एंटर कर ही नहीं सकता। तो अभी तक की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये एकदम इम्पॉसिबल है कि कोई भी एयरप्लेन स्पेस में एंटर कर पाएगा। कुल मिला के रिजल्ट ये निकलता है कि कोई भी प्लेन किसी भी तरह से अभी तक स्पेस में एंटर नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न और फैक्ट हैं, तो अगर आपको कोई रीज़न पता हो या आपको लगता हो कि ऐसा हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ऐसे ही कुछ यूजफुल फैक्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।